हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है एवरेज के टॉपिक और एवरेज का क्लास नंबर आपके 6 है। आज हम क्लास नंबर 6 करेंगे और इसके पहले हमने 5 नंबर तक क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो नंबर दे रखा है, नंबर से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल सकते हैं। जो भी हमने नंबर टॉपिक हमने कंप्लीट कर लेते हैं उसकी आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप वहाँ से PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं हर वीडियोज़ की, ठीक है। और तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, एवरेज का टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो इसके पहले हमने क्या किया था, पढ़ा था हमने जो है नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, तो नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो सारे वीडियोस आप देख लीजिए। और एवरेज का जो टॉपिक दोस्तों आज टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, और आज के जो टॉपिक सेशन है आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम टेम्परेचर से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि तापमान से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एवरेज में आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 1 से 2 नंबर का टॉपिक हमारा, क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो तो एवरेज का है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम परसेंटेज शुरू कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज का कंप्लीट करेंगे वीडियोस को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पहले को, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और टाइप नंबर हमारी कौन सी है, 6ठी नंबर की टाइप है, 6 नंबर टाइप चल रहा है, और तापमान से संबंधित आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए पहले नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का जो औसत तापमान है वह 40 सेल्सियस था, जबकि मंगलवार बुधवार एवं बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 36 सेल्सियस हो तो बृहस्पतिवार का तापमान बताइए, ठीक है, तो बृहस्पतिवार का तापमान बताइए, यही बताना था। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो करते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया मंडे, मंडे प्लस किया ट्यूजडे, ट्यूजडे प्लस हमने किया वेटनेसडे, इसका जो औसत तापमान था दोस्तों वो कितना था, 40 था। तो 40 × 3 कर देंगे, क्योंकि 1, 2, 3 है, 3 दिन है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 3 = 12, 120 आ गया, ठीक। उसके बाद फिर अगला बोला है कि जबकि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेटनेसडे और प्लस थर्सडे, इसका जो औसत तापमान है दोस्तों वो कितना है, 42 था। तो 42 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12, 126 हो जाएगा, ठीक है। अब 126 हो गया, इतना काम हमने कर लिया जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्यों किया, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 होते हैं, तो जितने दिन होते हैं हम उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 3 = 12, 120 हो गया, और ये टोटल एवरेज हो गया, इनका टोटल हो गया यहाँ पे जो हमारा हो गया, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, ये नंबर ऑफ है कितना, 40 है, 40 दे रखा है तो 40 कर दिया, 3 दिन है तो 3 से गुणा कर दिया, 4 × 3 = 12, 120 हो गया, ठीक है। यहाँ 42 था तो 42 × 3 कर दिया, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन था, यानी कि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 126 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है दोस्तों, हमें घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है। अगर हम इनमें सभी वैल्यू को घटा दें, यानी कि सबको घटा दिया जाए, तो कोई दिक्कत है, देखिए क्योंकि ट्यूसडे और वेटनेसडे कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा कि मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल कितना हो जाएगा, 120 में से घटाएंगे 126, तो माइनस कितना हो जाएगा, -6 आएगा, है ना, 120 माइनस 6 हो जाएगा, तो मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना हो जाएगा, -6। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है नीचे कि मंडे का जो तापमान है वो कितना है, 36 अंश सेल्सियस है, तो मंडे की जगह पे हम 36 अंश सेल्सियस लिख देंगे भाई, ठीक है, 36 अंश सेल्सियस है, और माइनस करेंगे थर्सडे, और बराबर हो जाएगा -6। तो अब ये बताइए कि थर्सडे बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36 इधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा जो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो थर्सडे बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 36 और प्लस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 36 में प्लस जोड़ देंगे 6 तो आ जाएगा हमारा 42। तो ये हमारा थर्सडे का जो है आंसर आ जाएगा कितना, 42 हो जाएगा, क्लियर। तो बस हमें इसी पैटर्न पर, हमें इसी आधार पर करना होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 माइनस थर्सडे करेंगे और बराबर यहाँ पर, तो थर्सडे बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस कर सकते हैं, यानी कि हम इसे 6 को प्लस कर देंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 36 + 6 हो जाएगा 42, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। अगले नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसी हफ्ते में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 35 है, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दे रखा है जैसे मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे, इसका जो औसत तापमान है वह कितना है, 35 है, तो 35 × 3 यहाँ पर भी करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि जबकि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 है, यानी कि ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे, तो इसका जो औसत तापमान है वो कितना है, 33 है, 33 है, अब 33 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें क्या करना, सेम क्वेश्चन वही करना जैसे पहले किया था। तो ये ट्यूजडे और वेटनेसडे कैंसिल हो गया, तो माइनस करेंगे इसको, घटा दें अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो सिंपल सी काम है। देखिए मंडे और माइनस यहाँ पर हो जाएगा थर्सडे, और बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 105 माइनस 99 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ पे देखिए कि बोला है यदि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, 38 है, यानी कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, 38 है। तो यहाँ पे थर्सडे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे थे 38 लिख देंगे, और 38 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों मंडे और मंडे बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6, और प्लस कर देंगे 38 को, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। तो ये मंडे का जो तापमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यही काम करना होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन करने के लिए। आइए एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी आधार पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी हफ्ते में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 था, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान, औसत तापमान 36 था। यदि सोमवार का तापमान जो है कितना हो, 41 हो, तो मंगलवार का तापमान बताइए। तो दोस्तों मंगलवार का यहाँ पर तापमान पूछ रहा है, जब ये मंगलवार यहाँ पर भी है और मंगलवार यहाँ पर भी है, तो दोनों जब कॉमन है, तो कभी ऐसे केस में दोस्तों कभी भी संबंध, कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए कभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तय नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा, तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को आंसर क्या होगा, इसलिए क्योंकि दिए गए प्रश्न में जो है मंगलवार और बुधवार के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, संबंध ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मंगलवार, देखिए यहाँ पर क्या है, मंडे प्लस ट्यूजडे और प्लस वेटनेसडे, है ना, मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेटनेसडे बराबर यहाँ पे 40 दिया है, तो अब मान लो 30 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दिया है ट्यूजडे और प्लस वेटनेसडे और प्लस थर्सडे, और यहाँ पर दे रखा टोटल 36, है ना, 36, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे आंसर तो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मंडे माइनस जब करेंगे तो ये ट्यूजडे और वेटनेसडे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थर्सडे और मंडे। तो यहाँ पर मंडे माइनस हम थर्सडे ही तो कर सकते हैं, और इनका अंतर निकालेंगे। तो पूछ क्या रहा है आपको, यदि सोमवार का तापमान 41 हो, मंडे का तापमान जो कितना दे रखा है, 41 दे रखा है, तो आप थर्सडे का ही तो फाइंड आउट करोगे, तो ये बोल रहा है कि आप ट्यूसडे को बताओ, तो जब ट्यूसडे कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये हम बता कैसे सकते हैं। तो मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा, तय नहीं किया जा सकता, यानी कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आइए अगले नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 35 है। देखिएगा ध्यान से, मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेटनेसडे, इसका जो औसत तापमान है वह कितना है, 35 है ना, तो 35 गुणे 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 105 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर बोल रहा है कि जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 है, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेटनेसडे और प्लस थर्सडे, इसका जो औसत तापमान है वो 34 है, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 102 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे, अब हमें क्या करना है, बोल रहा है यदि ये सोमवार एवं बृहस्पतिवार के तापमान में, यदि सोमवार एवं बृहस्पतिवार के तापमान में 13:11 का अनुपात हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि मंडे और माइनस यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, तो बराबर यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने मंडे का जो, थर्सडे का जो रेशियो दे रखा है वो 13:11 दिया है, तो हमने मान लिया मंडे को 13x है, और यहाँ पर हमने मान लिया 11x है, और 11x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब 11x और 13x में माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब x बराबर जो आएगा, x बराबर जो आ जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, नहीं होगा, 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 जब 2 हो जाएगा, तो हम बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यही तो हमने किया। अब सिंपल सा फिर से समझ लेना एक बार आप लोग, ठीक है, कि हमने क्या किया, 1.5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। अब किसका पूछा है आपसे, सोमवार एवं बृहस्पतिवार का तापमान 13:11 का रेशियो था, तो बृहस्पतिवार का तापमान बताओ, तो थर्सडे का रेशियो बना, थर्सडे का कितना है, 11x है थर्सडे का, तो बस 11 और गुणे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 16.5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16.5, ये आ जाएगा थर्सडे का, किसका आ जाएगा, थर्सडे का आ जाएगा हमारा तापमान आ जाएगा। ठीक है, तो 16.5 अंश सेल्सियस ये हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार हम नीचे का फिर से ये पूरा स्ट्रक्चर फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, देखेगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ
यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेटनेसडे बराबर 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 105 आएगा, फिर ट्यूजडे वेटनेसडे थर्सडे बराबर 34 मल्टीप्लाई बाई 3 102 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब घटाएंगे तो घटाने पर वैल्यू देखिए कितनी आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा मंडे और माइनस यहाँ पर हो जाएगा थर्सडे, और बराबर यहाँ पर जो करेंगे तो इन दोनों का 105 का और 102 का अंतर निकालेंगे तो आएगा दोस्तों कितना अंतर, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि मंडे और थर्सडे का जो तापमान का जो एवरेज है यानी कि अनुपात है वो 13:11 है, तो हमने मान लिया एक्स की वैल्यू निकाल लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा 13x, मंडे का कितना हो जाएगा 13x और माइनस थर्सडे का 11x, और 11x बराबर कितना हो जाएगा 3 है, तो 13x और 11x में से घटाओगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 आ जाएगा, है ना। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ये आएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब बोला किसका है, थर्सडे का बोला, तो थर्सडे का जब वैल्यू निकालना हो तो 11x है आपकी थर्सडे की रेशियो, तो 11 और गुड़े 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो थर्सडे बराबर आंसर आ जाएगा। तो थर्सडे बराबर हो जाएगा 11 गुड़े 1.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16.5, ये आपका तापमान किसका हो जाएगा, थर्सडे का तापमान हो जाएगा। बस हमने यही काम किया है और कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन में बोला है बस हमने वही काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ जाएंगे अगर आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या करना है, तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 205 क्या कर रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, तो 7 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत खर्च में 1 रुपये यानी कि 1 रुपये की कमी हो जाती है, जबकि कुल खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। कुल खर्च में कितनी वृद्धि होती है, 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि छात्रावास का पुराना कुल खर्च क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी में कि प्रति छात्र पुराना औसत खर्च क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि यदि प्रति छात्र का नया औसत खर्च क्या होगा। तीनों क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है, इसी पैटर्न पर। तो आइए लगाएंगे, बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये मान लीजिए कि मान लीजिए नंबर ऑफ पहले कितना है, टोटल 35 छात्र हैं, तो 35 छात्र हैं टोटल मान लीजिए। इनका जो एवरेज है अभी आपको पता ही नहीं इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज तो पता नहीं, तो मान लीजिए इनका एवरेज कितना है, एक्स है। और टोटल यहां पर जो है, टोटल यहां पर मान लीजिए, अब क्या मानेंगे, टोटल आप गुणा करते थे 35 और इस वैल्यू में, तो यहां पर हो जाएगा 35x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। इसके बाद हमने मान ली 7 नए छात्र, कितने छात्र और आ रहे हैं, 7 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो 7 नए छात्र जुड़ेंगे तो दोस्तों यहां पे कितना हो जाएगा, 35 है तो यहां पे कितना हो जाएगा 42, और कितने लोगों की कमी होती है, इस एवरेज में 1 की कमी हो जाती है, मतलब कि x-1 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप पे, तो यहां पर हो जाएगा 42x हो जाएगा, और माइनस यहां पर हो जाएगा 42, यही तो होगा, जब इस पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा 42x, और माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा काम है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो टोटल दिया है 42x और माइनस यहां पर दिया है 42, ठीक है, यही दिया है। उसके बाद हमें करना माइनस, हमें क्या करना है, इसका अंतर, इसी को दोनों को तो घटाना है, तो 35x तो घटाएंगे तो 35x हो जाएगा, 35x बराबर कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 42 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो 42 यहां लिख देना है बस। ठीक है, सिंपल काम है, इतना समझ आ गया। दोबारा समझ लो, टोटल नंबर कितने हैं, 35 है, यहाँ पे जो लिख रखा है 35, ये टोटल नंबर है 35। एवरेज कितना है, एवरेज नहीं पता, हमने x मान लिया, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35x हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 7 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से 7 और छात्र आ गए, तो पहले 35 थे अब 42 हो गए, और इसमें क्या हो रहा है, एवरेज जो टॉपिक, जो एवरेज बन रहा है, इसमें 1 की कमी हो रही है, तो औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो रही है, तो जो औसत खर्च है यहाँ पर वो 1 रुपये की कमी हुई, तो औसत खर्च हमने मान लिया x-1 1 रुपये की कमी हो रही है। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 42x-42 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को घटाना है ना, अब इन दोनों को घटा के अंतर निकाल लें, तो अंतर निकालेंगे तो 42x-42 और -35x बराबर कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 42 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो हमने बराबर 42 रुपए लिख दिया। अब आगे आइए, तब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो 42x और 35x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x, और 7x बराबर 42 इधर आएगा, तो 42 और प्लस 42 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 84 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 84/7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी
14, तो ये 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब यहाँ पर x की जगह पर आप 12 रख सकते हो, यहाँ पर भी 12 रख सकते हो, जहां जहां x है वहां पे आप 12 रख दो अब, ठीक है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा, पहले छात्रावास का पुराना कुल खर्च क्या है, छात्रावास का पुराना कुल खर्च क्या है। तो दोस्तों पुराना कितने, पुराने लोग कितने थे, 35 लोग थे। अब एवरेज कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, तो 35 गुड़े 12 कर दो, तो यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 गुड़े 12, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर खर्च हो जाएगा 420 रुपये। तो ये कुल खर्च आ गया, कुल खर्च पुराना जो आया है वो 420 रुपये आया है, ठीक है, पर व्यक्ति, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 35 गुड़े 12 करोगे तो आ जाएगा 420। अब दूसरे क्वेश्चन को समझो, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि प्रति छात्र का पुराना औसत खर्च क्या है, पुराना औसत खर्च पूछ रहा है, तो एवरेज ही तो निकाला है, या एक्स की वैल्यू क्या है, एक पर व्यक्ति की एवरेज ही तो है 12 रुपए, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, 12 रुपए है, बात खत्म, 12 रुपए है। तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रति छात्र का नया औसत खर्च बताओ। अरे नया औसत खर्च जो हो रहा है, यानी कि जब 42 लोग बढ़ेंगे तो एक्स माइनस एक कर रहे हो ना, एक घटा रहे हो, एक ही तो कमी हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो एक्स की वैल्यू कितनी है, 12, 12 माइनस एक कर दो, कितनी आ जाएगी 11, ये आ गया नया औसत खर्च आ गया। नए व्यक्ति की जो नए छात्र का औसत खर्च है वो कितना है, 11 रुपए है। तो बस सिंपल काम था, हमें तीनों क्वेश्चन के हमने फटाफट आंसर कर दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने तो एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, सिंपल है। एक बार और समझना तो समझ लीजिए, पूरा एक बार देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन जो बोला दोस्तों वो क्या बोला, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कुल टोटल नंबर कितने हैं, नंबर दिया है 35, एवरेज हमने पता नहीं तो हमने कहा मान लिया एक्स एवरेज है, हमने कहा एक छात्रावास में 35 छात्र हैं और इनका एवरेज एक्स रुपए है, तो हमने 35 गुड़े एक्स करेंगे तो 35 एक्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल आ गया मान लीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि 7 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत खर्च में 1 रुपए की कमी हो जाती है, तो 42 छात्र हो गए, 7 पहले थे, फिर हम नए कितने हो गए, 42 हो गए, इसमें 1 लोगों की कमी होती है कुल औसत खर्च में, तो औसत खर्च हमने x रुपए माना था, तो x में से 1 रुपए कम हो गया, तो हमने मान लिया x माइनस 1। अब इसको गुणा करेंगे तो 42x माइनस 42 हो जाएगा, ठीक। तो अब बोल रहा है कि जबकि कुल खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो हमने ठीक कहा, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दें, कोई दिक्कत, इन दोनों को घटा दिया, तो हमने लिखा 42x माइनस 42 माइनस 35x, भाई 42x माइनस 42 माइनस 35x बराबर 42 रुपए की वृद्धि हो रही, तो हमने वृद्धि यहाँ पर लिख दी है। अब ध्यान से समझिएगा, अब 42x और माइनस 35x घटाओगे तो 7x बचेगा, अब 7x बराबर 42 और ये 42 प्लस हो जाएगा, 42 था ही और ये 42 माइनस 42 इधर जाएगा तो 42 हो जाएगा, तो 7x बराबर 42 प्लस 42 84 हो गया, तो x बराबर 84 बटे 7 हो जाएगा, अब 7 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू 12 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि पहला है कि छात्रावास का पुराना कुल औसत खर्च बताओ, पुराना कुल औसत खर्च बताना यानी कि टोटल बताना है, तो 35 गुड़े एक्स यानी कि x की जगह 12 रख दोगे तो 35 गुड़े 12 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 420 आ गया। फिर बोल रहा है कि प्रति छात्र का पुराना औसत खर्च क्या है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कितना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी लाया हुआ, 12, तो यही आपका आंसर हो गया कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर 12 हो गया। तीसरा बोल रहा है कि प्रति छात्र का नया औसत खर्च बताओ, तो नया औसत खर्च 12 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 12 है, तो 12 माइनस 1 कर दोगे तो कितना जगह, 11, तो ये औसत खर्च किसका है, नए छात्र का है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया 420, 12 और 11, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक छात्रावास में 40 छात्र हैं और 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत में 1 रुपए की कमी हो जाती है। अब बिल्कुल सेम पुराना क्वेश्चन है, जैसे वही वैसे करना है, तो टोटल नंबर कितने हैं, 40, ठीक है, एवरेज हमें पता नहीं है तो हमने एवरेज मान लिया x, टोटल एवरेज जो आएगा वो हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया 40x, हमने कितना मान लिया, 40x मान लिया। बोला कि 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से कितने छात्र और आ जाते हैं, 10 छात्र आ जाते हैं, मतलब पहले 40 थे, अब कितने हो गए, 50 हो गए, और औसत में 1 रुपए की कमी होती है, मतलब कि x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 40x जैसे यहाँ पे आपने इसका गुणा कर दिया है, तो ऐसे यहाँ पे 50 का गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50x माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, ये तो करना है, तो बस सिंपल सा काम है। अब घटा दीजिए इसको इसको, तो हो जाएगा 50x माइनस 50 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40x हो जाएगा। अब 40x और बराबर कितने रुपए की कम, कितने रुपए बढ़ रहे हैं, वृद्धि कितने रुपए की हो रही है, 100 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो बराबर कितना रुपए हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर हमने 100 रुपए लिख दिया।
अब 50x और -40x यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा 10x। अब बराबर करोगे तो यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है, और 100 रुपये 50 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 करोगे तो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो बोला क्या है, तो प्रति छात्र का औसत खर्च बताओ, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां नया पुराना नहीं पूछ रहा है, तो प्रति छात्र का औसत खर्च बताओ। तो औसत खर्च कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो यही तो एवरेज है, एवरेज हमारा कितना है, एक्स है, तो एक्स बराबर 15, यही हमारा आंसर आ जा गया। बस सिंपल है, क्लियर। इसी पैटर्न पर हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बोला है कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 84 किलोग्राम है। नए व्यक्ति डी को शामिल हो जाने पर औसत जो है हो जाता है 80 हो जाता है। यदि ए के स्थान पर एक नए सदस्य ई को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 79 हो जा किलोग्राम हो जाता है। ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो ई ए डी व ई का भार बताइए। तो बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहले बोला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 84 किलोग्राम, ठीक है। ए बी सी तीन व्यक्ति का औसत भार कितना है, 84 किलोग्राम। तो औसत के लिए हमें क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। तो 84 गुणे 3 करोगे तो टोटल आ जाएगा 252, ठीक। अब बोल रहा है कि एक नए व्यक्ति डी को शामिल हो जाने पर औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। तो एक व्यक्ति अब और आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक और आने से औसत भार कितना हो गया, 80 किलोग्राम हो गया, 80 गुणे 4 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 320 आ गया। ये डी को शामिल करने पर हुआ है 320, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से, तो डी बराबर हम निकाल सकते हैं, अब डी की वैल्यू निकाल सकते हैं फटाफट, डी की वैल्यू निकल जाएगी। अरे भाई ए बी सी की कितनी है, ए बी सी की है 352, तो डी की वैल्यू डी बराबर कितना हो जाएगा, 320, 320 माइनस माइनस 252 कर देंगे तो डी की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, डी की कितनी हो गई, 68 किलोग्राम, 68 किलोग्राम हो गई डी की वैल्यू। अब बोल रहा है कि ई का भार जो है डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, तो भाई यहां पर लिख दो जल्दी से, ई बराबर हो जाएगा 68, डी की वैल्यू, तो 68 और +3 कर दो तो कितना हो जाएगा, टोटल 71 हो जाएगा। अभी 71 किसका आ गया, ई का भार आ गया, कितना आ गया, ई का भार आ गया 71 आ गया, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हमें निकालना है किसका, ए का भार और निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। हमने कहा ए के स्थान पर एक नए सदस्य ई को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। औसत भार कितना हो जाता है, 79 हो जाता है, क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से, अब हम इसको यहां लिख सकते हैं कि बी प्लस, यहां पर हम लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन हमारा इधर हो गया। अब लिखिए यहां पर कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 316, क्या है, 316 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बराबर हो गया 316। अब यहां पे करेंगे कि बी प्लस सी प्लस, अब डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 68 है, अब हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, डी की वैल्यू कितनी है, 68 है, और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 71। अब 71 है बराबर कितना हो जाएगा, 316, कितना लिख दिया हमने, 316 लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर ध्यान से, अब इन तीनों का बराबर अब जोड़ देना है, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 316 माइनस 139 बराबर कितना जाएगा, 177 आ गया। B प्लस सी बराबर कितना जाएगा, 177 आ गया। तो A बराबर हम लिख देंगे, अब A बराबर लिख सकते हैं, अब A का तो निकल जाएगा, तो A प्लस 177 बराबर 252 बराबर 252, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 252 लिख दिया हमने A बराबर, क्योंकि B और प्लस सी की कितनी आ गई है, B प्लस सी की आई है जो वैल्यू है 177 आई है, तो B प्लस सी की 177 हो गई, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर हमने लिख दिया 177 बराबर कितना हो जाएगा, A 252, तो A बराबर यहां पर हो जाएगा कि 252 माइनस 177 बराबर है कितना जाएगा, 75। तो ये A की वैल्यू आ जाएगी किसकी, 75 किलोग्राम, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये A की वैल्यू आ जाएगी 75 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ लेता
कि बी और सी की वैल्यू बताओ, किसकी बताना होता है, बी और सी की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि दिए गए प्रश्न में यदि बी और सी का मान अगर पूछा जाए ना, तो उत्तर क्या बोलोगे आप कि तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, क्योंकि बी और सी की जो वैल्यू है कुल है 177 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन कितना साल का है, यानी कि कितने किलोग्राम का है, हमें ये नहीं पता। तो बी और सी का भार हम कन्फर्म नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर बी और सी का अगर भार पूछ लेता तो आप क्या बोलते हैं, आंसर उसका हो जाता कि तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। क्या बोलते हैं आप, तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बी सी की हम कभी हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 75 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 68 किलोग्राम हो गई, ई की वैल्यू कितनी हो गई, 71 किलोग्राम हो गई। तो यहां पर हमने ए और डी व ई का भार हमने क्या निकाल दिया, टोटल हमने निकाल दिया है, क्लियर। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ए और बी का औसत भार 25 किलोग्राम है, ए और बी का औसत भार 25 है, तो बी व सी का औसत भार 35 है, जबकि सी और ए का औसत भार 30 है, तो ए का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी बराबर 25 था, तो 25 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। फिर बोला आपसे बी प्लस सी बराबर कितना है, 35, तो 35 गुणे 2 करोगे तो कितना जाएगा, 70। अब फिर बोला है कि आपसे सी प्लस ए बराबर आपसे बोला कितना, 30, तो 30 गुणे 2 करोगे तो कितना जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। ये टोटल हो गया। अब आपसे बोला किसका है, ए का भार निकालना, अब इसके बराबर हो जाएगा, तो करोगे आप क्या लिखोगे, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, कुल जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 आएगा ना। अब यहां पर आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिवाइड बाई 2, तो करोगे कितना जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आया। अब आपको क्या करना है, अब हमें निकालना है कि ए प्लस लिखिए, अब यहां पे लिखेंगे ए प्लस, ठीक है। अब ए प्लस, अब बी प्लस सी की, अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की वैल्यू देखिए यहां पे कितना दिया, 70 दिया, तो यहां पे लिख दीजिए 70 बराबर कितना जाएगा, 90। तो ए बराबर भाई बी प्लस सी का बराबर कितना दिया, 70 है ना, तो बस ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी बराबर कितना, 70 दिया, तो 70 लिख लिया, ए प्लस 70 हो जाएगा बराबर, टू कुल कितना है, 90 हो गया, ए प्लस बी का तीनों का 90 है, तो ए प्लस 70 बराबर 90, तो ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस 70, तो बराबर कितना आ जाएगा, ए का कितना आ गया, अब ए का आ गया 20, कितना आ गया, ए का 20, तो अतः जो यहां पर ए का जो मान हो जाएगा वो ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर, समझ गए। फिर से समझ लो, ए प्लस बी बराबर 25 है, तो 25 दिया ना, ए और बी का औसत कितना है, 25 है, तो 25 गुणे 2 करोगे 50 आएगा, दो लोग हैं, बी प्लस सी का औसत कितना है, 35 है, तो 35 गुणे 2 करोगे 70 आएगा, सी प्लस ए बराबर दिया है 30 गुणे 2 करोगे तो आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा यहां पर, 60 हो जाएगा, हमने यहां पर 66 लिखा था, 60 हो जाएगा, ठीक है, तो 60 हो गया, क्लियर। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, अब यहां पर हमने लिखा 2a, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि देखिए दो दो बार है ना सभी, तो हमने क्या लिखा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे 5 7 7 5 12 और 6 18 180, तो कितना जाएगा, 180 हो गया। अब बराबर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 भागे 2 करेंगे तो आ जाएगा टोटल 90। तो a प्लस 70, हमने b प्लस सी का मान यहाँ पे क्या लिखा, देखिए b प्लस सी का मान कितना है, 70 है, तो हमने b प्लस सी के मान की जगह 70 रख दिया, तो a प्लस 70 बराबर कुल है 90, तो हमने यहाँ पे 90 लिखा, तो a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a बराबर 90 माइनस 70 करोगे तो आएगा टोटल कितना, 20 आ जाएगा, तो a ये तो काम किया है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए C की वैल्यू निकालनी होती, अगर C की वैल्यू निकालनी होती तो C की कैसे निकालते, तो C बराबर आप लिख देते, C बराबर क्या लिखोगे, C बराबर लिखोगे कि यहां पर जब C हो जाएगा ना, तो A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, अब C बराबर अगर निकालना तो कुल कितना है, 90 है, तो C बराबर A और B की, A B का भार कितना है, 50 है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 50, और यहां पर C का प्लस कितना था, प्लस C था, तो C बराबर यहां पर कितना, 90। अब C बराबर 90 माइनस 50 करोगे तो C बराबर कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जब भी आपको किसी का वैल्यू C का निकालना हो, C का अगर B A का 20 हो गया, C का 40 हो गया, तो 40 20 60, और B का कितना आ जाएगा, 90 है ना कुल सबका, तो कितना आ जाएगा, 60 30 90, यानी कि 20
बी की वैल्यू कितने आ गए, 30 आ गए। तो इस तरह से हम सारे की सारे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, किसी का भी पूछते, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला किया था। बोला है ए प्लस बी मिलकर प्रतिदिन औसत 140 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं, औसत 140 रुपए कमाते हैं। फिर बोला है कि बी प्लस सी बराबर जो है मिलकर प्रतिदिन औसत कितना कमाते हैं, 160 रुपए कमाते हैं। औसत 160 रुपए कमाते हैं, ध्यान रखना, यहां पर गुणा नहीं कर देना दो से, ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर क्या करना है, सी प्लस ए बराबर कुल कितना कमाते हैं, 140 रुपए कमाते हैं। तो ए और बी सी, तो ए बी सी तीनों मिलकर प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाते हैं, प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सप्ताह बोला, वीकेंड में, एक सप्ताह में कुल कितना रुपए कमा लेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, फटाफट जोड़ दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा 440। भाई 140 और 160 जोड़ोगे 300 और 400, 440 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 440 भागे 2, तो करोगे तो आ जाएगा 220 रुपए आ गया। क्लियर, ये भी तीनों का आ गया एक दिन का, कितना आ जाएगा प्रतिदिन का आ गया 220 रुपए। अब बोला क्या है, प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाते हैं, तो 220 गुणे 7 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पूरे एक सप्ताह का। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 220 गुणे 7 करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 1540 रुपए। ठीक है, 1540 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रति सप्ताह जो है रुपए कमाते हैं। क्या कमाते हैं, प्रति सप्ताह ये रुपए इतने कमाते हैं। क्लियर, समझ आ गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 संख्याओं का औसत 40 है, ध्यान दीजिएगा, 10 संख्याओं का औसत 40 है, परंतु बाद में यह पता चला कि एक संख्या भूलवश गलती से 19 की बजाय 29 ले लिया गया था, तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो पहले, सबसे पहले गलत ले लो, पहले क्या लोगे, पहले गलत निकाल लो, पहले गलत संख्याओं का औसत ले लो, गलत संख्याओं का औसत। ठीक है, फटाफट करेंगे, बहुत स्पीड में। गलत संख्याओं का औसत ले लिया, या योगफल ले लो, गलत संख्याओं का गलत संख्याओं का योगफल ले लो, गलत संख्याओं का कुल योगफल निकाल लो पहले। गलत निकाल भाई, गलत संख्याओं का योगफल निकालो। तो गलत संख्याओं का योगफल पहले गलत क्या था, 10 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ, 10 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ, मतलब कि कुल 400 प्राप्त हुआ। परंतु बाद में पता चला कि भूलवश गलती से 19 के बजाय 29 ले लिया गया, तो संख्याओं का सही औसत बताइए। ठीक है, 19 की बजाय कितना ले लिया, पर बाद में पता चला कि एक संख्या भूलवश 19 की बजाय 29 ले लिया गया था, तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो सही योग क्या होगा, अब सही संख्याओं का योग देख लो, सही योगफल क्या हो जाएगा, सही योगफल बराबर कुल कितना था, 400 था, 400 माइनस 29 और प्लस क्या कर दोगे, 19 कर दोगे, पहले 29 घटा दो और फिर 19 जोड़ दो, तो टोटल जब करोगे तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 390, कितना आ जाएगा, 390 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 390, और क्या बोला, तो संख्याओं का सही औसत ज्ञात करो, तो संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा, 390 भागे 10, कुल कितने थे, 10 ही तो संख्या थी, तो 10 संख्या से भाग दे दो, तो 390 भागे 10 कर दो, तो 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, तो सही संख्याओं का सही औसत जो हो गया, हो जाएगा 40 की बजाय जो प्राप्त हुआ था वो क्या हो जाएगा, अब यहां पर 39 प्राप्त हुआ, तो सही क्या हो जाएगी, संख्या हमारी 39 हो जाएगी। ठीक है, पहले गलती से क्या हुआ, टोटल 400 प्राप्त हुआ, ये गलत संख्या प्राप्त हुई थी, और 40 में से पहले क्या किया, 29 घटा दिया, 29 घटाने पर फिर 19 को जोड़ दिया, 19 को जोड़ दिया। ठीक है, अब आया 390, और 390 को कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो 10 संख्या से भाग दे दिया, तो एवरेज निकल के आ गया कितना, 39। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं जिनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 2 गुना है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 27 हो तो बड़ी संख्याओं का मान बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। अब देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक, क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। मान लीजिए पहली दूसरी संख्या का 3 गुना है, कौन, पहली संख्या, तो मान लीजिए दूसरी संख्या एक्स 2x है, और पहली संख्या हो जाएगी 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 3 कितने गुना, 3 गुना है ना, तो 3 दूनी 6, 6x हो गया। फिर क्या बोला, दूसरी संख्या
तीसरी संख्या का दो गुना है, यानी कि तीसरी जो संख्या है वो x है और इसका दो गुना कितना है 2x है, यानी कि दो गुना है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 27 हो, क्या हो, तीनों संख्याओं का औसत क्या हो 27 हो, मतलब कि 6x प्लस 2x प्लस x डिवाइड बाई 3, तीन से करेंगे ना, अब तीन ही संख्या, एक दो तीन संख्या, तीन से भाग देंगे तो इसका जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है 27 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 27 प्राप्त हो रहा है। इन तीनों का औसत जो प्राप्त होगा, इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके तीन से भाग देंगे तो 27 प्राप्त होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। बस इसी इक्वेशन को तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 6, 2, 8 और एक 9x, 9x बटे 3 बराबर 27, बराबर कितना जाएगा 27 आ जाएगा। अब 27 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, यानी कि 3 3 का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 27, तो x बराबर कितना जाएगा 27 भागे 3 हो जाएगा, तो 3 9 27, तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर जो आएगा वो आएगा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो बस 9 जो रख दो 9 की जगह। तो क्या बोला है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो दोस्तों बड़ी संख्या यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है 6, 6 की जगह 9 रखोगे तो 6 9 54, ये हो गया पहली संख्या 6 है ना, 6 9 54 भाई x की जगह पर 9 रख दिया तो 6 9 54, तो पहली संख्या कितनी हो गई 54 हो गई। दूसरी संख्या क्या है 9 2 18 18, देखो कितना है 3 गुना ना, 18 3 54, तो 3 गुना हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, अब ये कितनी है 2 गुनी, देखो 9 2 18 18 3 54, 3 गुना है कि नहीं है। तीसरी संख्या x है, दूसरी संख्या 18 है, सॉरी तीसरी संख्या x की जगह 9 पे रखा 9 आ गया x की वैल्यू, 9 2 18 है, देखो 2 गुना भी है दूसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 54 है, तो यही बोला ना पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 2 गुना, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 2 गुना, तो लगा दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, 18 आ गई और 54 आ गई। क्लियर, आइए अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये 12 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को सवाल आपका जो सवाल होगा आप इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल को आप जो है आपको मैं टेस्ट दे रहा हूँ, एक एवरेज का टॉपिक है जो कि हमने एवरेज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, एक से लेकर के हमने 6 नंबर की क्लास कंप्लीट की है। तो इतने सारे कंप्लीट करने के बाद तो एक तो सवाल आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आप एक सवाल का आंसर जो हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ जो है फटाफट आप जो है पेन उठाइए और इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और इसको जो कमेंट करें फटाफट इसका आंसर क्या आएगा और इसका सोल्यूशन जो है मैं कमेंट बॉक्स में जो है इसकी पिक्चर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन पहले मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करें, उसके बाद जो है मैं इसकी जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं जो है पहले टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे, तो वहां पे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो के जब जितना ज़्यादा ज़्यादा जो है आप लोगों के कमेंट आएंगे उसके बाद में जो है कमेंट आने के बाद मैं इसका सोल्यूशन जो है आपको आंसर जो है इसका मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स से आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस आज के लिए इतना ही था और हमारा जो है एवरेज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम एवरेज के टॉपिक के फिर से हम एक टेस्ट पेपर शुरू करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के जितने सिर्फ प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर होंगे। तो अभी तक हम बेसिक सीख रहे हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद सिर्फ ओनली आपका टेस्ट चलेगा एग्जाम बेस्ड के क्वेश्चन के। तो जल्दी से वीडियो अगर पसंद आई हो तो फटाफट वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ रोज़ देता रहता हूँ, हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस बन रही है तो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और फटाफट नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्ज नहीं, घर बैठे आराम से आप सारी स्टडी करते रहिए। ठीक है, और आप अगर प्रॉपर वे में मेरी सारी वीडियो अगर आपने देखी है और अगर आपने नोट्स बनाया है तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता और कहीं आपको इस तरह से फ्री में और एक सिक्वेंस से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा और ना ही हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहे होंगे लोग। ठीक है, कोई भी ऐसे ही अटेंडम 2 4 10 क्वेश्चन उठाते हैं लोग और उसकी ट्रिक बता देते हैं, एक आप लोग क्या करते हो उसकी ट्रिक सीख ले तो बहुत अच्छा लगता है, एक दो क्वेश्चन का ट्रिक सीख गए तो लगता है कि सारा कुछ हम सीख जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो उसके पूरी की पूरी जो है वीडियो देखिए और पूरे वीडियो देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट समझिए, क्या उससे आपके क्वेश्चन लग पा रहे हैं या नहीं, यानी कि बुक से, तब जाके आप जो है सही वे में चलोगे, नहीं तो इस तरह से एक दो ट्रिक सीख के क्या करोगे, है ना, तो होना नहीं है। तो इसलिए पूरा सीखो, अच्छे से सीखो, कॉन्सेप्ट से सीखो ताकि आप किसी भी बुक से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ और आपके क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो दोस्तों बस ये नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, यहाँ से आप सारी चीज़ें जैसे भी आप चाहते हो फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी और जिस तरह की इंक्वायरी चाहिए, कोई भी क्वेरी होती, कोई भी डाउट होता तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।